बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, आज हम वेस्टेज, जो केक वेस्टेज रहता है उससे हम रेसिपी बनाएंगे इंस्टेंट ओनली। ये है केक की पुडिंग है, ये देखिए, ये आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम है, कौन सा फ्लेवर है, बटरस्कॉच। ये बटरस्कॉच है, ये वेनिला, वेनिला में जस्ट कलर आया, थोड़े जेलीज है। अब ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी है, माला स्ट्रॉबेरी क्रश। अब ये भी ऐड करेंगे हम इसके अंदर। अब हम बनाएंगे पुडिंग। एक ग्लास ले लीजिए। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं केक वेस्टेज। फ्रेंड्स, ये भी बहुत काम में आता, बच्चों को बनाकर रखिए, बहुत टेस्टी भी रहता और यमी भी रहता, बच्चे बहुत खुश रहते। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे केक की, ये आइसक्रीम, ये बटरस्कॉच है, देखिए इसके अंदर ऐड करिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये चॉकलेट का केक। हमारे चैनल पर अगर नए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए फ्रेंड्स। बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। अब ये जेली के पुडिंग्स और ये सब डाल देंगे इसके अंदर। देखिए, वन वन लेयर बनाते जाइए, केक ऐड करते जाइए इसके अंदर। ये थोड़ा गल गया है, पिघल गया है केक, आइसक्रीम लाने में देर हो गई। और एक स्टेप डाल देंगे अब केक का। ये देखिए, ये वेनिला केक है वेस्टेज का। अब इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे अब स्ट्रॉबेरी क्रश। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा आइसक्रीम, वेनिला, थोड़ा सा बटरस्कॉच, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी। ये देखिए फ्रेंड्स, पुडिंग बन गया है। इसे डीप फ्रीजर में नहीं, फ्रीजर में, आपकी मर्जी, जितना चिल्ड होना है उतना चिल्ड करके खाइए। ये बहुत और बहुत टेस्टी यमी रहता। हमारे चैनल पर देखिए, आप भी बनाइए, हमें कमेंट करिए कैसा बना खाकर टेस्ट करके। अभी टेस्ट करने वाले हैं मेरे हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।